नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु। आप देख रहे हैं द खबरदार। सुकून, दो पल और चाय। हमने अक्सर ये बात सुनी है, और जब भी बात सुकून की होती है, जब भी बात चार यारों के साथ मिल करके बैठने की होती है, तो जो सबसे पहला शब्द या जो सबसे पहली डिश जहन में आती है वो चाय होती है। हम जबलपुर में हैं, राइट टाउन के पास NMT में, जहां पर आयोजित है चाय का कुंभ। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है, ये इसी चाय कुंभ के लिए यहां पर आई हुई है। यहां पर कई सारे चाय वाले हैं जो लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों को चाय पिलाते रहे, और शहर के कई हिस्सों से आज एक ही जगह पर इकट्ठा हो करके यहाँ पर कई तरीके की चाय का जायका लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। इस चाय के महाकुंभ के लेकर के हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे। आइए बात करेंगे हम कुछ चाय वालों से, कुछ चाय पीने वालों से। धनी कुटिया से। धनी की कुटिया से हैं। अदाताल धनी कुटिया। ये चाय महाकुंभ, चाय का कुंभ जो बलपुर में लगाया गया है, कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मतलब आने मिला है ऐसे, मतलब उत्साह मतलब बढ़ गया लोगों का। हाँ। और हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। लगाने में। क्या नाम है आपका? गणेश। क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है आपकी चाय की? अगर गणेश टी स्टॉल जैसा कि ये स्टॉल है, क्या विशेषता है आपकी चाय की? इसमें ये है कि पीने वाला ही बता सकता है, जैसे अदर व्यक्ति कोई भी पीता है। हाँ। तो क्या अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। हाँ। वो तो आगे समझ में आता है, जो पीते हैं उनको अच्छी लगी नहीं लगी, समझ रहे हैं? और अच्छी लगी तो उनकी थकान भी मिट जाएगी। हाँ। और जो माइंड में टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या मायने रखती है चाय हिंदुस्तानियों के लिए? सुबह उठते ही साथ चाय चाहिए लोगों को, दिन की शुरुआत। हाँ, दिन की शुरुआत और लास्ट में शाम की। सूरज दिखे या ना दिखे, लेकिन एक कप चाय जरूर दिखनी चाहिए। बस घर में तो दिन की जो शुरुआत होती है तो आप लोग के चाय से ही होती है। यहाँ पर जितने चाय वाले हैं, लगभग मैक्सिमम पुरुष चाय वाले हैं। आप लोगों ने चाय पी, यहाँ जायका लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। और जो इस चाय को लेकर के कॉन्सेप्ट है कि एक एक साथ एक ही जगह पर जबलपुर के कई चाय वालों को इकट्ठा किया जाए, और जो चाय के शौकीन लोग हैं तो उनको भी अलग अलग जायके की चाय एक ही जगह पर मिल पाए, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। जबलपुर के लोगों के लिए नया है, अच्छा है। क्या मायने रखती है चाय एक गृहिणी के तौर पर बात करें तो? दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, और मतलब फ्रेश लगता है चाय पीने से। चाय के बिना कोई काम शुरू ही नहीं होता। दिन की शुरुआत में चाय ना मिले यदि तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरता है, फिर अपना काम, गाड़ी चलती ही ना, वैसे ही अपन चाय पीते तब काम कर सकते। और अब तो दिनचर्या इस तरीके से हो चुकी है कि शुरुआत सूरज सुबह हम देखे ना देखे, लेकिन चाय जरूर तो चाहिए होती है। तो आज यहाँ पर बहुत सारे चाय वाले आए हुए हैं, तो ये सारी चीजें देख करके क्या मतलब? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चाय मिल रही है पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।